Hey, so now the practical based on what? Variable overhead variance. Okay, the following data is given. Production in units hai beta, budgeted and actual. So budgeted output hai aapka 400, actual output hai 360. Man hours to produce above. Budgeted hours hai aapka 8000 hours, actual hours hai 7000. Variable overheads. Budgeted overheads hai aapka, budgeted variable overheads hai 10000 and actual overhead is what? 9150. Okay. Now the standard time. क्या बोल रहा बेटा? जो स्टैंडर्ड टाइम है टू प्रोड्यूस वन यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस व्हाट बेटा? वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स. क्या बोल रहा बेटा? स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट? 20 आवर्स है. 20 आवर्स, ठीक है, याद रखो. स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स है. कैलकुलेट करना है आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस. क्या कैलकुलेट करना पड़ा? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. तो ये डेटा है, उसके बेसिस पे आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करना है बेटा. सो चलो लेट्स डू इट, लेट्स कैलकुलेट इट. बेटा ये जो डेटा इधर दिया है ना, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 आवर्स, बराबर है. वो क्या हो गया, देखो इधर बजटेड आवर्स कितना है 8000, बजटेड आउटपुट कितना है 400. अगर आप डिवाइड करोगे तो 20 आवर्स आ रहा है क्या, देख लो एक यूनिट के लिए, वही चीज है, बराबर है. चलो सो आ जाओ. सो फॉर सॉल्विंग दिस सम सॉल्यूशन में सबसे पहला आपको करना है बेसिक कैलकुलेशन. बेसिक कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? बेसिक कैलकुलेशन. अब बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहला आ जाओ. यस, बेसिक कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड आर निकालना बेटा. यस, वेरी गुड ऋषिका, परफेक्ट. सो स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड आर फॉर व्हाट? एक्चुअल आउटपुट. तो ये एसएच मतलब स्टैंडर्ड आर्स फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू फॉर्मूला, एवरीवन रिमेंबर इट. क्या है बेटा? बजटेड आर्स, बजटेड आर्स अपॉन बजटेड आउटपुट into actual output. ठीक है, और आपको पता है ये जो आपने फॉर्मूला यूज किया ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया भी है. 20 देख रहे हो, इधर इधर देख, यू कैन सी हियर, इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. ये देखो प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 आवर्स. तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट कोई बात नहीं, फॉर्मूला यूज करके लिखना है तो दैट विल बी बेटर. बाकी सब में भी काम आता है, ऐसा कुछ नहीं. सो फॉर्मूला यूज करो, बेटर है, या फिर डायरेक्ट दिया ही है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. चलो, सो बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. ठीक है फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला जो दिया था आपको, यू कैन सी हियर, दिख रहा है? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू वेरिएबल के लिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला है. तो चलो लेट्स यूज इट, दिस फॉर्मूला. सो आपका बजटेड आवर्स है बच्चा, बजटेड आवर्स है कितना देख लो ना क्वेश्चन. बजटेड आवर्स कितना है अपना? बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स दिख रहा है आपको, ये बजटेड आवर्स है 8000 अपॉन बजटेड आउटपुट है 400 इनटू एक्चुअल आउटपुट है 360. तो दिखा दो. सो बजटेड आवर्स है आपका कितना बेटा? 8000 डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट है कितना? 400 इनटू एक्चुअल आउटपुट है कितना बेटा? 360, बराबर 360. तो चलो कैलकुलेट करो, 8000 डिवाइड बाय 400 इनटू 360 कितना आ गया? 7200. वेरी गुड, वेरी गुड अमोल, वेल डन साक्षी, वेल डन इशिका, वेल डन जयश्री, वेल डन प्रीति, परफेक्ट. 7200. सो स्टैंडर्ड आर इज व्हाट? 7200 आवर्स, परफेक्ट.
Yes, very nice. So our standard R is, that is standard R. Standard R for actual output is 7200 Rs. Okay, standard R हो गया अपना. चलो अभी स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को सब चाहिए. देखो स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, बराबर है, वही सब यूज होगा अपने को. तो स्टैंडर्ड आर हो गया अपना, अभी स्टैंडर्ड रेट निकालते. चलो यस परफेक्ट इशिका, वेरी गुड. स्टैंडर्ड रेट दैट इज एस आर, स्टैंडर्ड रेट. अब देखो बच्चों स्टैंडर्ड रेट के लिए यू कैन सी हियर, स्टैंडर्ड रेट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली है. तो आप निकाल सकते हो ना, देखो आपको बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दिया है 10,000 है, दिख रहा है 10,000, और बजटेड आवर्स भी दिया है आपको, तो डिवाइड कर लो, आपको स्टैंडर्ड रेट मिल जाएगा, बराबर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर मिल जाएगा, सिंपल. तो आ जाओ, सो स्टैंडर्ड रेट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए करना क्या है, बजटेड, क्या बेटा, स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, जो भी बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स है, राइट, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय व्हाट, यस, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स. Budgeted hours, okay? So budgeted variable overheads divided by budgeted hours. तो चलो दिखा दे इधर, तो इधर जगह कम पड़ जाएगा. चलो नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ मैं. Is equal to budgeted variable overhead है आपका 10,000 और budgeted hours है 8,000. So आपका standard rate will come what? 1.25. Yes, very good, Janvi. 1.25 is what standard rate. So rupees 1.25 per hour. Perfect. Yes, well done, Jayashree. Perfect. 1.25 per hour. So this is what your standard rate. ये हो गया आपका standard rate. क्या हो गया बेटा ये? Standard rate हो गया. बराबर है बच्चा? Clear? So this is what your standard rate. चलो अभी standard rate हो गया ना अपना, done. अब standard rate के बाद क्या आएगा? देखो standard R हो गया, standard rate हो गया. अभी actual R, actual rate. चलो. So आ जाओ actual R के लिए. AH. एक्चुअल आर, बेटा एक्चुअल आर तो अपने को पता ही है ना, ये देखो डायरेक्टली दिया है, किधर है ये देखो, एक्चुअल आर आपका कितना है 7,000, इट इज गिवन डायरेक्टली, बराबर है, 7,000 आर है. बराबर, यस, सो दिखा दिया मैं, 7,000 आर है कि नहीं. फिर बचा क्या अपना, एक्चुअल फिक्स, एक्चुअल रेट. यस वेरी गुड इशिका, परफेक्ट. एक्चुअल वेरिएबल, वेरिएबल बेटा, वेरिएबल का करें ना हम लोग, सो वेरिएबल ओवरहेड्स, जब भी फिक्स का करेंगे तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, ये वेरिएबल का है. नाउ एक्चुअल रेट ए आर, एक्चुअल रेट, हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है अपने को, वही सिंपल, क्या एक्चुअल, एक्चुअल, हाँ एक्चुअल निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल आपका जो वेरिएबल ओवरहेड्स है, एक्चुअल व्हाट, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स को, डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्चुअल आवर्स. परफेक्ट, वेरी गुड,
So divided by actual hours. Yes. Very good, beta. Chalo. So actual variable overheads आपका कितना दिया था question में देख लो. Actual variable overheads. You can see here. 9150 actual variable overheads है आपका बेटा. And actual R है 7000. So 9150 divided by 7000. So 9150 divided by 7000. चलो बताओ कितना आ रहा है. 9150 divided by 7000 किया तो कितना आया 1.30. Okay. 9150 वो डिवाइड बाय आपने किया 7000 से. सो 1.30 सबका वही आ रहा है पक्का. दो डिजिट लेगा तो 1.30 आएगा. बोलो पक्का 1.30 आएगा. टू डिजिट ले रहा है. यस अमोल परफेक्ट. अमोल का आंसर राइट है. टू डिजिट में आप आंसर कन्वर्ट कर रहे हो तो 1.30 कैसा आएगा बेटा. आपका आंसर क्या है 1.307142 ऐसा है. तो आपको टू डिजिट लेना है तो थर्ड डिजिट तो देखना पड़ेगा ना आपको. थर्ड डिजिट क्या है 7 है. तो टू डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो थर्ड डिजिट 7 है. 5 या 5 के ऊपर है तो 3-1 हो जाएगा ना. समझा मैं पढ़ा कि नहीं याद रख. 1.31 होगा वो. गॉट इट. चलो सो 1.31 ओके. अदरवाइज 3 डिजिट तक ले लेना 1.307 तक. बट 2 डिजिट ले रहे हो तो थर्ड वाला देखने का. थर्ड वाले फिर कन्वर्ट हो जाएगा ना 1.31 हो जाएगा ऐसा है. क्योंकि वो 7 है तो ये 3-0 नहीं 3-1 हो जाएगा. ठीक है 1.31. सो इसका रेट आ गया 1. वैसे भी हमने ये 2 डिजिट तक लिया तो ये भी 2 डिजिट तक लेंगे 1.31 पर आवर. सो दिस इज व्हाट योर एक्चुअल रेट. बराबर है. ये आपका एक्चुअल रेट हो गया. चलो तो आपके पास स्टैंडर्ड रेट हो गया. स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट हो गया. एक्चुअल आर एक्चुअल रेट हो गया बेटा. सब आ गया. अब ये बेसिक कैलकुलेशन अपना डन. अब बेटा बेसिक कैलकुलेशन के बाद अपने को क्या करना है. बेसिक कैलकुलेशन तो डन हो गया. अब बेसिक कैलकुलेशन के बाद बी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस. अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है. वेरिएंसेस ठीक है. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वेरिएंसेस. कैलकुलेशन ऑफ व्हाट वेरिएंसेस. चलो अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला वही फंडा. सबसे पहला वेरिएंस कौन सा आता है फॉर्मूला पता ही है. चलो यस सबसे फर्स्ट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस VOV. बराबर देख सकते हो आप इधर देखो जो फॉर्मूला बताया मैंने. सी वेरी फर्स्ट वन VOV. VOV दैट इज SH इनटू SR माइनस AH इनटू AR. परफेक्ट वेरी गुड. सो आ जाओ VOV मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस दैट इज VOV. बराबर है VOV वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. चलो तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैसा निकालेगा बच्चा. फॉर्मूला SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR. चलो तो SH आपने सब निकाल लिया इधर. SH कितना है आपका 7200 R इंटू SR. यस वेरिएबल है. वेरिएबल है बेटा ये फिक्स वाला नहीं है. फिक्स रहेगा तो फिक्स लिखने का. वेरिएबल है जिधर वेरिएबल लिखेंगे. ठीक है तो SH इंटू SR. बराबर SH है आपका 7200
इंटू एस आर है कितना बेटा 1.25, 7200 इंटू 1.25 माइनस एच इंटू ए आर, एच कितना है अपना 7000 और ए आर है 1.31, 7000 इंटू 1.31, चलो करो अभी कैलकुलेट करो, कैलसी लो 7200 इंटू 1.25, अच्छा 7200 इंटू 1.25 आ गया आपका 9000, कितना ओके 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 ठीक है चलो, तो 7200 किया इंटू 1.25 किया तो आपको आया 9000, बराबर है, ये आ गया 9000 माइनस 7000 इंटू 1.31 किया तो कितना आ गया 7000 इंटू 1.31 9170, यस परफेक्ट। तो इधर जो आंसर आ रहा है वो आ गया आपका एडवर्स, क्या बेटा एडवर्स, कितना एडवर्स आ रहा है, यस 150 एडवर्स, ठीक है, सो दिस इज व्हाट 170 आ रहा है, 170 एडवर्स, परफेक्ट, वेल डन एवरीवन, सो 170 एडवर्स। ठीक है चलो, सो 170 एडवर्स आ गया बराबर, और इधर दिखा देना अपना वेयर, आपका एडवर्स रहेगा ए इज इक्वल टू एडवर्स एंड एफ इज इक्वल टू फेवरेबल, ये याद रखना ए इज इक्वल टू एडवर्स एंड एफ इज इक्वल टू व्हाट बेटा फेवरेबल, ठीक है चलो हो गया, ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड गया, चलो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के बाद सेकंड वन अपना बोलो कौन सा आ जाएगा, सेकंड क्या निकालते हम लोग पता है ना, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के बाद आपका जो सेकंड कैलकुलेशन होता है वो है एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वीईएफवी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एस एच इंटू एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो फॉर्मूला देखा ही हमने थियरी में, तो चलो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वीईएफवी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता ही है बेटा सबको, क्या एस एच माइनस एच इंटू एस आर, बराबर है चलो, तो बेटा स्टैंडर्ड आर अपना पता ही है आपको 7200 आर है और एक्चुअल है आपका 7000 एंड स्टैंडर्ड रेट है आपका 1.25, चलो 7200 माइनस 7000 आ गया आपका कितना 200 इंटू 1.25, तो फाइनली आपको आंसर कितना आ गया 200 इंटू 1.25 किया तो 250, बराबर है यस, सो एफिशिएंसी वेरिएंस में आ गया आपको कितना 250, हाउ मच इट इज 250, बराबर, तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आया, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, ठीक है, तो इधर आ गया ये 170, इधर आ गया ये 250, और ये 250 क्या बेटा फेवरेबल है, पॉजिटिव आया मतलब फेवरेबल, यस करेक्ट है, आ जाओ अब थर्ड वन क्या निकालना आपने को, चलो एफिशिएंसी वेरिएंस भी हो गया तो बचा क्या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, सी यू कैन सी हियर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बराबर है एक्सपेंडिचर ई एक्स वी ई एक्स वी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस,
उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए एस आर माइनस ए आर इंटू एस एच, क्या एस आर माइनस ए आर इंटू एस एच, ठीक है बराबर है कि नहीं, कि कुछ और है सोच लो क्या है, ठीक है ये इधर जो फॉर्मूला है ना वो एस एच नहीं था वो ए एच है, याद रखो दिस इज व्हाट ए एच, बाय मिस्टेकली एस एच हो गया है वो ए एच है, ठीक है याद रखना उसको बना लेना, ठीक है बाय मिस्टेकली इधर एस एच लिख दिया है वो ए एच है बेटा ए एच, ओके। सो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या है, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, हाँ दैट इज नॉट एस एच, तो बाय मिस्टेकली आया उधर ए एच करो, ओके चलो तो आ जाओ लेट्स डू इट। देखा ना जो लेबर में आपको बताया मैंने, लेबर में फॉर्मूला देखा है ना आपने, बराबर है लेबर रेट वेरिएंस वाला, क्या फॉर्मूला था उसमें, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, तो वो ए एच है, वो बाय मिस्टेकली एस एच आ गया था, वो ए एच है, ठीक है तो उसको ए एच करो। प्रैक्टिकल करने पे यही फायदा होता है कि मालूम पड़ जाता है, अभी कभी गाय गाय में थियरी में लिख दिया वैसा तो प्रैक्टिकल करने से मालूम पड़ जाएगा ना, सर देखो प्रैक्टिकल में आया तो मालूम पड़ गया, अरे ये एच एस एच कैसे आ गया, ये ए एच है, ठीक है चलो तो आ जाओ कैलकुलेट करो अभी, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, तो आपका है ये वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या बेटा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर व्हाट वेरिएंस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो बेटा, वी ई एक्स, वी क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, यस एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच है, ए एच याद रखना बड़ा ए एच, तो डायरेक्टली देखा एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, फॉर्मूला नॉर्मल, ठीक है ए एच है एस एच नहीं है याद रखो ए एच, सो 1.25 एस आर है माइनस ए आर 1.31 है इंटू 7000 कर लिया, बस हो गया अपना वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया, बराबर क्लियर है, याद रखना भूलना नहीं इसको, और ये आपका इधर वेरिएबल और ये ए एच है ए एच नॉट एस एच, याद रख ए एच, दिस इज व्हाट योर ए एच, ओके चलो हो गया, अभी वेरिफिकेशन कर लो, नाउ डू द वेरिफिकेशन, तो थर्ड वन इज व्हाट योर वेरिफिकेशन, मतलब सी पार्ट आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा बेटा, सी वेरिफिकेशन, ठीक है चल। अब वेरिफिकेशन करने के लिए वही फंडा सेम अपना, जैसे वेरिफिकेशन करते हो वीओवी, आपका जो वीओवी है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यस वीई एफ वी वेरिएबल एफिशिएंसी, तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है चलो। वीओवी कितना है, वीओवी आया था अपना कितना 170 एडवर्स है, वीओवी इज व्हाट 170 एडवर्स इज इक्वल टू वीईएफवी, बराबर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वो कितना आया था बेटा अपना, दैट वाज 250 फेवरेबल, 250 फेवरेबल है प्लस प्लस व्हाट, ठीक है वो 250 फेवरेबल है फेवरेबल प्लस एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाला कितना है 420 एडवर्स, दिस इज व्हाट 420 एडवर्स, चेक कर लो बराबर है कि नहीं, 170 एडवर्स इधर भी 170 एडवर्स होना चाहिए, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव वाला मतलब फेवरेबल वाला 250 है और एडवर्स वाला 420 है, मतलब नेगेटिव साइन बड़ा है, तो 420 और 250 का डिफरेंस कितना आया 170,
नेगेटिव साइन बड़ा है तो 170 एडवर्स हो गया, जो बड़ा है वही तो इधर है, वही तो दिखेगा 170 एडवर्स इज इक्वल टू 170 एडवर्स, मतलब अपना करेक्ट है, वेरीफाइड है, ओके दैट्स परफेक्ट, क्लियर, मालूम पड़ा, ओके बराबर। तो ऐसा करना है और इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं। चलो सो नाउ इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस दे रहा हूं। अब प्रैक्टिस में आपको क्या करना, फिक्स्ड का भी दे रहा हूं वेरिएबल का भी, फिक्स का जो लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था वैसे, वेरिएबल का जब अभी जैसा किया वैसे उससे रिलेटेड करना। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों से रिलेटेड दे रहा हूं, सो आ जाओ। तो ये है क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंसेस, कैलकुलेट व्हाट ओवरहेड वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फिक्स ओवरहेड भी है बजट और एक्चुअल, वेरिएबल ओवरहेड भी है, ठीक है, और आर्स दिया है और आउटपुट दिया है, ठीक है। अब आपको ओवरहेड वेरिएंस करना है, इसमें फिक्स भी कैलकुलेट करना है आपको, वेरिएबल भी करना। तो पहले क्या करना, फिक्स का कैलकुलेट करना जैसे लास्ट लेक्चर में किया सेम, उसके बाद आपको करना है वेरिएबल का कैलकुलेट, बस बाकी जो फंडा बताया वही फंडा आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। तो ये प्रैक्टिस में करना है, ले लो स्क्रीनशॉट, चाहिए तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड वाला करना जैसे बताया मैंने लास्ट लेक्चर में, वैसा ही वो फिनिश हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल का करना, मतलब ये सब में आपका दोनों कंबाइंड हो गया, फिक्स का भी दे दिया है वेरिएबल का भी दे दिया, दैट्स इट, ओके क्लियर, मालूम पड़ा पक्का।